झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF की सीनियर इंस्ट्रक्टर अस्मिता दोरजी माउंट एवरेस्ट के अभियान पर जाएंगी। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से एवरेस्ट एक्सपीडिशन बंद था। टाटा स्टील के सहयोग से अभी तक 11 क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट को फतह कर चुके हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की शुरुआत 2 अप्रैल से होगी। जमशेदपुर की रहने वाली 37 वर्षीय क्लाइंबर अस्मिता दोरजी ने कोरोना काल के दौरान माउंट एवरेस्ट अभियान के लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग की है। टाटा स्टील के सहयोग से जो 11 क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं उनमें बचेंद्री पाल, प्रेमलता अग्रवाल, राजेंद्र पाल सिंह, विनीता सोरेन, मेघलाल महतो, सुसेन महतो, अरुणिमा सिन्हा, हेमंत गुप्ता, संदीप तोलिया, स्वर्ण लगता दलाई और पूनम राणा का नाम शामिल है। माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है। ये 31 मई तक जारी रहेगा। जमशेदपुर की रहने वाली 37 वर्षीय क्लाइंबर अस्मिता दोरजी ने कोरोना काल के दौरान इसके लिए काफी ट्रेनिंग की है। उन्होंने बचेंद्री पाल की देखरेख उत्तरकाशी के काल्फो में ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग से संबंधित ट्रेनिंग ली। अस्मिता दोरजी के पिता शेरपांग दोरजी हैं। अस्मिता अड़वाल हिमालय एक्सपीडिशन, लेह लद्दाख एक्सपीडिशन और केदारनाथ एक्सपीडिशन की सदस्य थी। टाटा स्टील ने 2017 में जमशेदपुर के पायू मुर्मू को भी एवरेस्ट फतह करने के कठिन अभियान पर भेजा था, लेकिन बर्फीली तूफान के कारण पायू अभियान को पूरा नहीं कर पाई। एवरेस्ट को फतह करने के लिए तो एक्चुअली बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। एक तो मेरा फादर ने क्लाइम किया, सेकंड मैडम बचेंद्री पाल जो हम लोग पाला पोसा है उनके मुँह से ही कंटिन्यू सुनते थे। तो बचपन से ही एवरेस्ट आते थे। तो डिसाइड किया कि हमने भी भाई अभी मैच्योर होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम भी कर सकते हैं एवरेस्ट, जो मेरा पापा ने किया, जो मैडम बचेंद्री पाल ने किया।